अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ समद कमेंटेटर फ्राम किंगस्टन क्रिकेट ग्राउंड शारजा यूएई। दो टीम्स मद्दे मुकाबल हैं, जो कि दो टीम्स, एक सुपर वज़ीरिस्तान और दूसरी टीम जो कि यूनिटी 11, जिनके दरमियान ये मैच का आगाज़ होने जा रहा है और दो बैट्समैन क्रीज पर और बॉलर अपना रन अप लेते हुए। पहला बॉल बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ शॉर्ट पिच डिलीवरी, जो कि बैट्समैन मुकम्मल तरह से बीट हुए, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलना चाह रहे थे। सुपर वज़ीरिस्तान के दो बैट्समैन मलिक और नसर, और ये दूसरा खूबसूरत शॉर्ट पिच बॉल जिसको मलिक ने ऑफ टर्म पॉइंट की जानिब सिंगल लेते हुए। आज बहुत ही तेज हवा चल रही है, दोनों टीम को इसका बेनिफिट है, बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी। ये तीसरा भी मुकम्मल तरह से शॉर्ट पिच बॉल बॉलर की जानिब से समी की जानिब से, और बैट्समैन मुकम्मल तरह से बीट हो चुके हैं और कीपर के ग्लव्ज़ों में बॉल। बॉलर की बॉल लेग स्टंप की जाने पे बॉल पिच की और ये आसान तरीके से नसर बैट्समैन ने फाइन लेग की जानिब दो रन्स अपनी टीम को दिए। बॉलर का शॉर्ट पिच, अगेन शॉर्ट पिच और एम्पायर की जानिब से वाइड का इशारा। काफ़ी टॉल हाइट है बॉलर की, जिसकी वजह से अपनी शॉर्ट पिच से विकेट जो है वो लेना चाह रहे हैं बैट्समैन की, लेकिन बिल्कुल ही आउट ऑफ लाइन था। अगेन शॉर्ट बॉल और बैट्समैन मुकम्मल तरह से बीट हुए। नासिर रन लेना चाहते थे दोनों बैट्समैन, लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग आपस में दोनों बैट्समैन की जानिब से, जो कि रन ना ले पाए। और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा कर रही फील्डिंग टीम यूनिटी 11 की जानिब से। अगेन
लास्ट बॉल ऑफ द ओवर शॉर्ट पेज डिलीवरी और मुकम्मल तौर पर नासिर बैट्समैन बीट हुए और कीपर के ग्लव्स में बॉल। इसी के साथ एक ओवर का खेल समाप्त, चार रन के कोई विकेट का नुकसान नहीं। सेकेंड ओवर करने आए हैं माहिर, जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। माहिर अपना फर्स्ट बॉल जो कि आउट ऑफ लाइन था और एम्पायर की जानिब से वाइड का इशारा, बैट्समैन इसको एक्स्ट्रा कवर के पास खेलना चाहते थे लेकिन आउट ऑफ लाइन जो कि वाइड बॉल था। एक बहुत ही आला बॉल, बैट्समैन ने मुकम्मल तेज़ तरीके से अपना बैट को मिड विकेट की जानिब इस्तेमाल किया लेकिन जो है चार रन्स कवर में। और ये बहुत ही बेहतरीन बॉल इन लाइन जो के बैट्समैन मलिक मुकम्मल तौर पर बीट हुए और कीपर के ग्लव्स में बॉल। माहिर खान काफ़ी अच्छे पेस वाले बॉलर हैं। और इसी के साथ थर्ड मैन पे मलिक सिंगल लेते हुए, बहुत ही खूबसूरत थ्रो लेकिन कीपर से दूर, और ये एक्स्ट्राज में सुपर वजीरस्तान को एक रन का इजाफा। बेहतरीन बॉल, बेहतरीन लाइन, मुकम्मल तौर पे बैट्समैन बीट हुए। बहुत ही आला बॉल, तीन स्टंप्स के अंदर और लेग स्टंप को उड़ा दिया बॉलर ने, माहिर ने। और इसी तरह नासिर बैट्समैन की सुपर वजीरस्तान की जानिब से जो ओपनर थे अपनी इनिंग्स का खात्मा कर चुके हैं 1.5 ओवर्स के नुकसान पे, 11 रन्स एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत बॉल माहिर की जानिब से इन लाइन थ्री विकेट्स में, और नए आने वाले बैट्समैन अजमल जो कि कवर की जानिब बॉल को खेला। और इसी के साथ दो ओवर का खेल ख़त्म हुआ 11 रन्स एक विकेट के नुकसान पर सुपर वजीरस्तान। समी अपना दूसरा ओवर करने आए और मुकम्मल तौर पे पहला बॉल इन लाइन
3 विकेट्स के दरमियान गुड लाइन से होता हुआ सीधा बैट्समैन से बीट होता हुआ कीपर के हाथों में। दोनों बैट्समैन आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरह शमी को फेस किया जाए, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। शमी की जानिब से वाइट बॉल और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। बाउंड्री का सामना करना पड़ा शमी को अपने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे। इनलाइन बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर कंटेन करना है रन्स को। बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट पिच बॉल, जो के ना सिर्फ खेलना चाह रहे थे लेकिन पेस के साथ बीट हुए और कीपर के ग्लव्स में बॉल। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा शमी की जानिब से, कम बैक किया। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की जानिब से, लाइन को कंटेन रखना पड़ेगा। और ये बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बैट्समैन अजमल, लेकिन सिर्फ एक रन्स का इजाफा सुपर वजीरिस्तान की इनिंग्स में। एक रन्स का इजाफा मिलेगा, थ्रो अगर डायरेक्ट लगती तो शायद रन आउट का चांस बन सकता था बॉलिंग की जानिब से, बॉलिंग टीम की जानिब से। दूसरा ओवर काफ़ी महंगा साबित हो रहा है शमी को। अगेन शॉर्ट बॉल शमी की जानिब से और कैच ड्रॉप। इसी के साथ 3 ओवर का खेल ख़त्म। 21 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट सुपर वजीरिस्तान। माहिर खान अपना दूसरा ओवर करने आया और पहली बॉल पे एक रन्स का इजाफा सुपर वजीरिस्तान की जानिब से, टीम की जानिब से। और ये दूसरा बॉल और नासिर की जानिब से
लॉन्ग ऑन पे पुश किया इसको और एक रन का इजाफा सुपर वजीरिस्तान की इनिंग्स में। अगेन यॉर्कर लाइन डिलीवरी और बैट्समैन इस पर रन ना बना सके। अच्छी लाइन ऑफ लेंथ का मुजाहरा कर रहे हैं बॉलर माहिर। इस लाइन पे रन्स कंटेन होंगे। अगेन फुल लेंथ डिलीवरी और लॉन्ग ऑफ की जानिब पे अजमल की जानिब से एक रन्स का इजाफा अपनी टीम के लिए। और ये बॉल हवा में और माहिर खान जो कि शॉर्ट पिच डिलीवरी से उन्होंने अपनी टीम को विकेट लेके दी और इसी के साथ ही अजमल की इनिंग्स का खात्मा। सुपर वजीरिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा 24 रन्स 3.4 ओवर के खेल पर। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा यूनिटी 11 की टीम की जानिब से। नए आने वाले बैट्समैन मोहम्मद हिलाल जो कि माहिर खान की ओवर की लास्ट डिलीवरी फेस करेंगे। और फुल लेंथ डिलीवरी और बैट्समैन मोहम्मद हिलाल की जानिब से लॉन्ग ऑफ पे एक रन का इजाफा अपनी टीम के लिए। और अपना इसी के साथ मोहम्मद हिलाल ने अपनी स्कोर का खाता खोला। नए आने वाले बॉलर यूनिटी 11 फील्डिंग टीम की जानिब से समीरुद्दीन जिन्होंने पहली बॉल फुल लेंथ डिलीवरी पिच की और बैट्समैन अजमल की जानिब से मिड विकेट पे 4 रन्स एम्पायर का इशारा। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यूनिटी 11 के कैप्टन और इसी के साथ ही दूसरी शॉर्ट पिच डिलीवरी बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा अजमल की जानिब से स्क्वेयर लेग के ऊपर से बाउंड्री से बाहर बॉल 6 रन्स। दो बॉल पे 10 रन आ चुके हैं समीरुद्दीन को। और तीसरा बॉल अगेन और टॉप एज लगा अजमल की जानिब से जो कि बेहतरीन शॉट्स इससे पहले एक 6 और 4 लगा चुके थे
तीसरी बॉल पे समीरुद्दीन के ओवर के पहले ओवर की अपनी विकेट का नुकसान वज़ीरिस्तान सुपर वज़ीरिस्तान की टीम की जानिब, और इसी तरह सुपर वज़ीरिस्तान की टीम को तीसरी विकेट का नुकसान पावर प्ले ओवर्स के दरमियान ही हुआ। 35 रन, 3 खिलाड़ी आउट 4.3 ओवर के खेल पर। नए आने वाले बैट्समैन सुपर वज़ीरिस्तान की टीम की जानिब से हैप्पी, जो कि समीरुद्दीन की चौथी बॉल का सामना करेंगे पहले ओवर की। बहुत ही आला बॉल और दोनों बैट्समैन की आपस में सिंगल के लिए मिस कमिटमेंट। बॉल को खेलना चाहते थे बैट्समैन मोहम्मद हिलाल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, अगर नाकाम रहे। और कीपर की जानिब से मोहम्मद हिलाल बैट्समैन जो कि बॉल बीट हुए और कीपर इसको कैरी ना कर पाए, और एक रन का इजाफा इसी तरह ही सुपर वज़ीरिस्तान की टीम, बल्कि 4 रन का इजाफा। और इसी की तरह 5 ओवर का खेल ख़त्म, 40 रन, सुपर वज़ीरिस्तान लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लास्ट ओवर ऑफ द पावर प्ले देखें कि सुपर वज़ीरिस्तान के बैट्समैन मोहम्मद हिलाल जो कि इस टाइम स्ट्राइक पे हैं अपनी टीम के लिए कितने रन इकट्ठे कर सकते हैं इस पावर प्ले के लास्ट ओवर में। नए आने वाले बॉलर कुदरत उल्ला, जो कि अपनी पहली बॉल फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर की और बैट्समैन हैप्पी ने इसको फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए खेला। उसी के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 44 सुपर वज़ीरिस्तान की टीम का। और बहुत ही अच्छी लाइन ऑफ लेंथ और हैप्पी ने एक्स्ट्रा कवर की जानिब सिंगल अपनी टीम को 1 रन का इजाफा दिया। और अगेन बॉलर की जानिब से कुदरत की जानिब से फुल टॉस
और एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा। एम्पायर का इशारा 6 रन्स और मोहम्मद हिलाल का बेहतरीन स्क्वेयर लेग की जानिब 6 रन्स।
और ये खूबसूरत बॉल नूर की जानिब से तीन स्टंप्स के दरमियान, और इसी तरह ही मोहम्मद हिलाल की इनिंग का खात्मा हुआ चला और सुपर वजीरिस्तान 87 रन्स पे 4 विकेट का नुकसान, 9.5 ओवर का खेल जारी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग स्ट्रेटजीज बॉलिंग टीम की जानिब से। इसी के साथ ही 10 ओवर का खेल समाप्त और सुपर वजीरिस्तान के 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर और साइड चेंज हो चुकी है विकेट की। नए आने वाले बैट्समैन का नाम जुनेद, बॉलर अपना दूसरा ओवर कंटिन्यू करेंगे नासिर बॉलिंग टीम की जानिब से। बहुत ही आला बॉलिंग का मुजाहरा नासिर की जानिब से और ये स्टंप आउट हो गए बैट्समैन, मुकम्मल तौर पे बीट हुए हैप्पी। और इसी की तरह सुपर वजीरिस्तान को अपनी 5वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा, 87 रन्स इस टाइम जो है 87 रन्स हैं। 11वां ओवर का खेल जारी।
बहुत ही उम्दा बॉलिंग के साथ, और ये ओवर की लास्ट बॉल जो के बैट्समैन मुकम्मल तौर पे जुनेद बीट हो चुके हैं, स्केलर की जानिब सिंगल लेना चाह रहे थे।
इसी के साथ जुनेद ने सिंगल पॉइंट की जानिब लेते हुए 16 ओवर्स का खेल समाप्त। सुपर वजीरिस्तान 143, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। प्रोजेक्टेड स्कोर 179 आ रहा है। करंट रन रेट 8.94 के साथ सुपर वजीरिस्तान के बैट्समैन लेके चल रहे हैं इसको। और ये माहिर जो कि अपना तीसरा ओवर करने आए हैं, बैट्समैन जुनेद ने मिड विकेट पे सिंगल लेते हुए और बहुत ही आला स्लोअर बॉल जो कि बैट्समैन की दोनों टांगों के दरमियान से कीपर के पास बॉल। आमिर मुकम्मल तौर पे बीट हुए। और शॉर्ट पिच बॉल बहुत ही आला बॉल की बॉलर ने, मायर ने, और बैट्समैन बीट हुए और एक्स्ट्राज में 22 की जानिब से एक रन। अच्छा थ्रो किया मगर डायरेक्ट हिट ना कर सके फील्डर। तीन बॉल्स 2 रन आ चुके हैं और उम्दा यॉर्कर वेरी गुड लाइन ऑफ लेंथ T20 फॉर्मेट में और मिड विकेट का फील्डर कोई रन हासिल ना हुआ इस बॉल पर। और फिर से अगेन यॉर्कर बॉल को जो कि बैट्समैन जुनेद ने लॉन्ग ऑन की जानिब खेला और इसी के साथ 2 रन आएंगे और इसी के साथ बेहतरीन थ्रो माहिर खान की जानिब से डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे और रन आउट कर दिया जुनेद को और सुपर वजीरिस्तान को 6 विकेट का धचका लगा। 17वें ओवर के खेल जारी। उम्दा यॉर्कर लाइन ऑफ लेंथ बॉलिंग माहिर की जानिब से और इसी के साथ 17 ओवर का खेल समाप्त। 147 6 विकेट के नुकसान पर सुपर वजीरिस्तान की टीम को प्रोजेक्टेड स्कोर कम होता हुआ 173 और रन रेट जो टीम का सुपर वजीरिस्तान का वो इस टाइम 8.65 से खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन।
नए आने वाले बैट्समैन का नाम सुभाष। नूर बॉलिंग पे आए हैं और पहली बॉल पे जुनेद ने लॉन्ग ऑफ की जानिब से सिंगल लेते हुए एक रन का इजाफा सुपर वजीरिस्तान की इनिंग में। बेहतरीन शॉट का मुजाहरा न्यू बैट्समैन सुभाष की जानिब से, सिंगल एक रन ही मिलेगा सिर्फ मिड विकेट की जानिब पे। और अगेन बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर नूर की जानिब से और बैट्समैन ने इसको कवर की जानिब में डॉट बॉल खेला। अगेन फुल लेंथ डिलीवरी और बैट्समैन जुनेद जो कि मुकम्मल बीट हुए और बॉल पैट्स पे जा लगा और इसी के साथ ही सुपर वजीरिस्तान टीम के 150 रन्स मुकम्मल 6 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर 4.4 बॉल्स। बेहतरीन शॉट का मुजाहरा जुनेद की जानिब से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन मारे और इसी के साथ ही अपने 50 रन 30 गेंदों पे जो के मुकम्मल किए। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा जुनेद की जानिब से। इसी के साथ ही 18 ओवर्स का खेल समाप्त सुपर वजीरिस्तान 157 रन पर 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। नासिर जो कि अपना 30 ओवर करने आए हैं और मुकम्मल तौर पर सुभाष बीट और नॉन बॉलिंग चैन पे डायरेक्ट हिट कीपर की जानिब से और जुनेद जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे अपने 50 रन मुकम्मल करके 30 बॉलों पे खड़े थे वो रन आउट और इसी के साथ ही 7वीं विकेट का नुकसान सुपर वजीरिस्तान की टीम को। बहुत ही खूबसूरत तरीके से थ्रो की गई कीपर की जानिब से और प्रोजेक्टेड स्कोर जो कि 173 इस टाइम नजर आ रहा है, क्या वो सुपर वजीरिस्तान अचीव कर पाएगी या नहीं।
नए आने वाले बैट्समैन कनीम फखरी और सुभाष नासिर को फेस करेंगे। ओवर का सेकंड बॉल और बेहतरीन शॉट, देखना पड़ेगा एम्पायर की जानिब से क्या इशारा आता है। और ये बॉल हवा में था और सुभाष अपने विकेट नासिर को दे बैठे। और इसी के साथ ही बॉल टू बॉल दूसरे विकेट पे, दूसरी बॉल पे भी विकेट का सामना करना पड़ा सुपर वजीरिस्तान की टीम को। और इसी तरह 8 विकेट खो बैठे हैं सुपर वजीरिस्तान की टीम। नए आने वाले बैट्समैन जो कि स्ट्राइक पे हैं, बॉल टू बॉल इस ओवर के 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स आ चुकी हैं, पहले पे रन आउट, दूसरे पे कॉट आउट। और फाजिल नए आने वाले बैट्समैन सामना करेंगे नासिर का और मुकम्मल तौर पे बीट हुए। लॉन्ग ऑन के ऊपर से इसको बड़ा हिट मारना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे। बहुत ही खूबसूरत शॉट का मुजाहरा फखरी की जानिब से मिड विकेट पर 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट का मुजाहरा फखरी की जानिब से अगेन 6 ओवर की लास्ट बॉल पे एक्स्ट्रा कवर पे। इसी तरह फखरी का बढ़ता हुआ स्कोर 4 बॉल पे 12 रन्स, 19 ओवर्स 169 रन्स, लॉस ऑफ 8 विकेट्स सुपर वजीरिस्तान की टीम की जानिब से। और लास्ट ओवर देखते हैं कौन करने आएगा यूनिटी 11 ग्रुप की जानिब से।
कीपर की जानिब से अगेन खूबसूरत थ्रो का मुजाहरा और इसी के साथ ही फाजिल रन आउट और 9 विकेट्स सुपर बलूचिस्तान की टीम खो बैठे हैं। इनिंग के सिर्फ एक बॉल बाकी और स्कोर बढ़ता हुआ 176। इनिंग का लास्ट बॉल जो कि समीरुद्दीन करेंगे और फखरी सामने फेस करेंगे और सीधा खेलना चाहा बड़े शॉट को और ये दूसरा रन लेते हुए और जो थ्रो बिल्कुल गलत करते हुए और 2 रन्स मिलेंगे इसी के साथ सुपर बलूचिस्तान की टीम को और इसी के साथ ही 178 रन्स लॉस ऑफ 9 विकेट्स 20 ओवर्स में सुपर बलूचिस्तान ने अचीव किए और यूनिटी 11 ग्रुप को 179 रन्स का टारगेट 20 ओवर्स में दे दिया। इसी के साथ ही इनिंग्स ब्रेक्स, वी विल राइट बैक इन नेक्स्ट इनिंग। सुपर बलूचिस्तान की टीम बॉलिंग के लिए ग्राउंड में एंटर और दोनों बैट्समैन भी एंटर हो गए हैं और यूनिटी 11 ग्रुप को जीतने के लिए 179 रन इन 20 ओवर्स दरकार। देखें किस टीम के हक में जीत जाएगी, जीत का फैसला होगा। दोनों ओपनर बैट्समैन फरीद फेस करेंगे जो कि विकेट कीपर थे जिन्होंने बेहतरीन 2 थ्रोस के साथ रन आउट किया और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे नासिर, बॉलर का नाम जुनेद जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और काफी तेज बॉलर हैं। फील्डिंग सेट करते हुए जुनेद पहला बॉल और पहला बॉल ही आते साथ ही शॉर्ट पिच और बैट्समैन के सर के ऊपर से कीपर के ग्लव्स में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा जुनैद की जानिब से। काफी लंबा रन अप लग रहा है जुनैद का और तेज तरीन तेज रफ्तार बॉलर है। दूसरा भी शॉर्ट पिच बॉल और बैट्समैन इसको कट करना चाह रहे थे थर्ड मैन की जानिब लेकिन मुकम्मल तौर पे बीट और बॉल सीधा
कीपर के ग्लव्स में बेहतरीन बॉलिंग इन गुड लाइन एंड विद गुड बाउंस। शॉर्ट पिच बॉल और कीपर के ग्लव्स में बॉल लग के नीचे गिरा और काफ़ी तेज रफ्तार बॉलर है और बैट्समैन के सर के ऊपर से ये बॉल ट्रैवल करता हुआ 3 balls। और अभी तक यूनिट 11 ग्रुप की टीम की जानिब से उनके स्कोर का आगाज ना हो सका। नए बॉलर मोहम्मद हारिस जो कि अब बॉलिंग की जानिब अपना रनअप लेते हुए और बैट्समैन नासिर जो कि मुकम्मल तौर पे बॉल बीट हुए और सीधा बॉल ग्लव्स कीपर के ग्लव्सों में।
बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा मोहम्मद आरिफ की जानिब से और बैट्समैन नासिर मुकम्मल तौर पर बीट हुए, एक्स्ट्रा कवर पर खेलना चाहते थे इस बॉल को।
जुनेद का जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वाइट बॉल किया, बिल्कुल ही लाइन ऑफ लेंथ से आउट बॉल किया ये, और इसी के साथ ही 7 रन पे 1 विकेट का नुकसान, 2.4 बॉल्स हो चुके हैं और नासिर फेस करेंगे जुनेद को। खूबसूरत स्लो डिलीवरी ऑफ स्टंप की जानिब, बैट्समैन नासिर इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन मुकम्मल तौर पे बीट ओवर, कीपर के ग्लव्स में बॉल, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा जुनैद की जानिब से। मोहम्मद हिलाल जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, बहुत ही अच्छा बॉल था लेकिन बैट्समैन की जानिब से रूम बना के कवर्स में 4 रन्स के लिए अपनी टीम को स्कोर बढ़ाते हुए समी यूनिटी 11 ग्रुप के 13 रन्स, 1 खिलाड़ी आउट, 3.1 बॉल। मोहम्मद हिलाल बॉलिंग पे जो कि ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की आज अपनी टीम के लिए वज़ीरिस्तान। अगेन रूम बनाया और मिस जजमैन रनिंग बिटवीन द विकेट, नासिर रन लेना चाह रहे थे लेकिन समी की जानिब से नौ की कॉल। एम्पायर की जानिब से वाइट बॉल का इशारा, मोहम्मद हिलाल जो कि स्लो और वन ऑफ स्टंप से बाहर पिच करना चाह रहे थे लेकिन आउट ऑफ लाइन पिच किया इसको, समी ने इसको बहुत ही उम्दा तरीके से लेफ्ट किया और एम्पायर की जानिब से वाइट बॉल का इशारा।
बेहतरीन बॉल लेग स्टंप पे, हारिस ने उसको हल्का सा फ्लिक किया और बाउंड लाइन से बाहर, चार रन की जानेब बढ़ता हुआ स्कोर, चार ओवर के नुकसान पे 18 रन एक विकेट, यूनिटी 11 ग्रुप की टीम को रिक्वायर्ड एट के लिए 10.06 करंट रेट रिक्वायर्ड है और करंट रेट 4.5 रन की औसत से खेल रहे हैं। हर ओवर में तकरीबन 10 रन बनाने होंगे यूनिटी 11 ग्रुप को। नए आने वाले बॉलर का नाम सुभाष, और बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा। पहली ही बॉल पर सुभाष ने अपनी बॉलिंग का ओवर का आगाज विकेट से खोला और बैट्समैन को आउट कर दिया और इसी के साथ ही 2 विकेट जा चुके हैं यूनिटी 11 ग्रुप के और 161 रन्स बाकी हैं 95 बॉल्स पर। और सुभाष की जानिब से ओवर की दूसरी बॉल पे क्लीन बॉल कर दिया न्यू बैट्समैन, जो कि क्रीज पे अपना पहला बॉल खेलने आए थे और इसी के साथ यूनिटी 11 ग्रुप को 3 विकेट का नुकसान 18 स्कोर पर, 4.2 ओवर का खेल जारी। और सुभाष जो कि बहुत फायदेमंद साबित हुए अपनी टीम को बॉलिंग में, 2 बॉल्स 2 विकेट, हैट्रिक बॉल हैट्रिक चांस है, देखें क्या सुभाष अपनी हैट्रिक कर पाएंगे।
हैट्रिक ना कर पाए सुभाष अपनी। और ये डाउन द लेग साइड पिच किया बॉल और वाइट रन विद फाइवर, बॉल बाउंड्री से बाहर, कीपर से मिस होता हुआ। अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे पहले तीन बॉल्स किए, फोर्थ बॉल जो है वो आउट ऑफ लाइन किया और फाइवर दिया अपनी टीम को। बेहतरीन बॉल जो कि स्टंप्स के पास से गुजरता हुआ कीपर के हाथों में, दो बॉल्स रह चुके हैं सुभाष के ओवर के, दो विकेट हासिल किए अपनी टीम के लिए। अच्छा आउट स्विंगर और बैट्समैन खालिद का कैच ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर ने, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा सुभाष की जानिब से। बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा, वाइड बॉल जो कि डाउन द लेग साइड अवे टू द कीपर था और कीपर ने डाइव करते हुए इस बॉल को अपने लेफ्ट हैंड से रोक लिया। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा और पैट्स पे जा लगा बैट्समैन खालिद, मुकम्मल तौर पर बीट हो, अपील की मगर एम्पायर के जाने से नॉट आउट का सिग्नल। और इसी के साथ ही पांच ओवर का खेल समाप्त, 24 रन्स पर तीन विकेट का नुकसान यूनिट 11 ग्रुप को। और पावर प्ले का लास्ट ओवर है, देखिए कि यूनिट 11 ग्रुप टीम के जो बैट्समैन खालिद और हुसैन लास्ट ओवर के पावर प्ले में कितने रन्स अपनी टीम को दे पाएंगे। फाजिल जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉल था, राउंड द विकेट आए और पहला ही बॉल पिचिंग आउट लेग स्टंप पर डाला और कीपर के से दूर बॉल जाता हुआ बाउंड्री लाइन से बाहर। अगेन पिचिंग लेग साइड फाजिल ने बॉल पिच किया और वाइट का इशारा एम्पायर की जानिब से। इस मैच को यूनिटी 11 ग्रुप को जीतने के लिए रन रेट को जो रिक्वायर्ड है वो 10.13 पर हर ओवर में है। 90 बॉल्स 152 रन्स टू विन। अगेन डाउन द लेग साइड एम्पायर का इशारा वाइट बॉल।
फाजिल जो कि अपने ओवर की इस ओवर में 6 वाइड करा चुके हैं, 9 ऑफ लेंथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, स्विंग पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा और एक बॉल और 8 रन्स दे चुके हैं अपने एक बॉल पर। और फुल लेंथ डिलीवरी थी जिसको हुसैन ने लॉन्ग ऑन पे खेला और 2 रन्स मिलेंगे यहां पर। और अगेन वाइट बॉल फाजिल की जानिब से डाउन द लेग साइड कीपर के ग्लव्स में, लाइन ऑफ लेंथ पर कंट्रोल करना पड़ेगा अगर बॉलिंग टीम को मजीद विकेट्स चाहिए जीत के लिए। अगेन वाइड इस ओवर में 10 वाइड करा चुके हैं, सॉरी 8 वाइड फाजिल करा चुके हैं, लाइन ऑफ लेंथ पर कंट्रोल करना पड़ेगा बॉलर फाजिल की जानिब से। और बेहतरीन शॉट फुल लेंथ डिलीवरी जिसको हुसैन ने लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास से ड्राइव कर दिया और 4 रन बाउंड्री लाइन से बाहर, बढ़ता हुआ स्कोर 40 यूनिट 11 ग्रुप का। स्लोअर बॉल फाजिल की जानिब से जो कि बैट्समैन ने शॉर्ट कवर पर खेला बगैर किसी रन के। और बेहतरीन बॉल अंदर आता हुआ इनर इनसाइड एज हुआ बैट्समैन हुसैन का और इसी के साथ ही हुसैन की इनिंग्स का खात्मा। बैट्समैन खुश नजर नहीं आ रहे लेकिन एम्पायर का फैसला हतमी फैसला, एम्पायर का फैसला आउट करार बैट्समैन। और इसी के साथ ही यूनिट 11 ग्रुप को 4th विकेट का सामना हो रहा है। इसी के साथ ही पावर प्ले खत्म हुआ, 40 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल समाप्त यूनिटी 11 ग्रुप की टीम की जानिब से। नए बैट्समैन जो आए हैं उनका नाम खालिद और माहिर खान।
जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं, और अपना सेकेंड ओवर सुभाष कंटिन्यू करेंगे। खान अपना पहला ओवर करने आए हैं, और ऑफ स्पिनर और पहला बॉल जो कि ब्रेक होता हुआ बैट्समैन के फ्रंट लेग पर जा लगा। बेहतरीन बॉल का मुजाहरा और बैट्समैन मुकम्मल तौर पर बीट हुए, और कीपर अपील करते हुए एम्पायर से आउट और नो। एम्पायर का फैसला नॉट आउट। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर करना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप से ब्रेक करना चाह रहे थे, लेकिन बॉल थोड़ा सीधा रहा और वाइड हुआ। अगेन सेम लाइन ऑफ लेंथ एंड अगेन वाइड, एम्पायर का इशारा। बैट्समैन खालिद जो कि 7 बॉलों का सामना किया और इस अभी तक अपना स्कोर का खाता ना ओपन किया। इसी के साथ ही खालिद जो कि बैट्समैन है, उन्होंने अपने इनिंग और स्कोर का खाता ओपन करते हुए 1 रन 8 बॉल्स पर। माहिर खान जो के स्ट्राइक पर हैं, आप अपनी पहली बॉल का सामना करेंगे इनिंग के। पहला बॉल जो के स्लिप सेकंड स्लिप की जानिब गया और डॉट बॉल हुआ। बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं बॉलर, पूरे ओवर में 3 रन्स दिए सिर्फ और 2 बॉल्स बाकी, और बैट्समैन माहिर ने से स्वीप कर दिया और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए भरता हुआ स्कोर 47। इस ओवर की लास्ट बॉल करेंगे खान, 7 रन्स आ चुके हैं इस ओवर में।
आमिर जो कि अपना फर्स्ट ओवर करने आए हैं, सेकंड बॉल किया एम्पायर की जानिब से वाइड बॉल का इशारा। इसी के साथ ही आमिर जो कि अपना पहला ओवर करने आ रहे थे और पहली विकेट हासिल की उन्होंने, और यूनिटी 11 ग्रुप को 5 विकेट का नुकसान 8वें ओवर के खेल में 50 रन्स। नए आने वाले बैट्समैन हामिद, इसी के साथ 8 ओवर का खेल समाप्त और 50 रन पर 5 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा यूनिट 11 ग्रुप को, और रिक्वायर्ड रन रेट 10.75 की ओर से जानब से हर ओवर में करना पड़ेगा, और करंट रेट जो है वो 6.25 की ओर से खेल रहे हैं यूनिट 11 ग्रुप। और खान अपना सेकेंड ओवर करने आए हैं, फर्स्ट ओवर में 8 रन दिए थे इन्होंने, 72 बॉल्स 129 रन्स टू विन, और एम्पायर का इशारा 9 बॉल, और बैट्समैन माहिर ने स्ट्रेट डाउन द विकेट बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन्स के लिए।
इसी तरह इन्हें खान ने अपने पहली विकेट का खाता खोला दूसरे ओवर के अपने दूसरे ओवर के बॉलिंग में, और इसी के साथ यूनिटी इलेवन ग्रुप की को छठी विकेट का नुकसान 58 रन्स पर नौवें ओवर का खेल जारी। और एम्पायर का इशारा नो बॉल, क्योंकि जो बॉल है वो विकेट से बाहर पिच हुआ और फ्री हिट है। देखें वो बैट नहीं आने वाले बैट्समैन क्या करते हैं इस बॉल पर। और बॉल कर दिया खान ने, बट फ्री हिट थी, ये विकेट अपने खाते में नहीं ले सकेंगे। इसी तरह इन 9 ओवर का खेल समाप्त, 59 रन्स लॉस ऑफ 6 विकेट्स, यूनिटी 11 ग्रुप रिक्वायर्ड रन रेट 10.91, करंट रेट 6.56। उबैद ने मिड विकेट के जाने शॉट खेला और एक रन का इजाफा। आमिर बहुत ही अच्छी लाइन कंटेन करते हुए अपना थर्ड ओवर कर रहे हैं। और बॉल कर दिया आमिर ने माहिर को ऑफ स्टंप पर, बॉल था और सीधा स्टंप्स पर जाता हुआ और बैट्समैन बीट हुए और सीधा स्टंप्स में। इसी तरह आमिर ने 2 विकेट्स अपने नाम किए और 7 विकेट्स का नुकसान यूनिट 11 ग्रुप को 61 रन पर।
नए आने वाले बैट्समैन का नाम समी। आते साथ ही बैट्समैन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन से वाइड 6 रन के लिए पहली बॉल पे 6 रन समी की जानिब से। आमिर जो कि बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं लाइन ऑफ लेंथ पर, दस ओवर का खेल समाप्त। 67/7 विकेट का नुकसान यूनिट 11 ग्रुप को और साइड चेन 60 बॉल्स 112 रन रिक्वायर्ड, 11.20 का रन रेट रिक्वायर्ड है। करंट रेट 6.70 की ओर से खेल रहे हैं यूनिट 11 ग्रुप के बैट्समैन। जीतने के लिए हर ओवर में तकरीबन 11.20 रन की ओर से खेलना पड़ेगा और इसी तरह ही खान अपना लास्ट ओवर थर्ड ओवर किक करने के लिए आ रहे हैं। खान जो कि उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3 बॉल इनके ओवर के रह गए हैं और मुकम्मल तौर पर बीट कर दिया बॉलर को। बहुत ही आला बॉलिंग का मुजाहरा, ऑफ टर्म से ब्रेक किया और सीधा कीपर के हाथों में। बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं खान, वो बैट जो कि बिल्कुल बीट हो रहे हैं बॉलर को। उम्दा शॉट समी की जानिब से मिड विकेट की जानिब, लेकिन 1 रन का इजाफा होगा यूनिट 11 ग्रुप की टीम को। इसी के साथ ही 11 ओवर का खेल खत्म। 69 रन ऑफ 7 लॉस ऑफ 7 विकेट यूनिट 11 ग्रुप की टीम को।
आमिर जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं, दो विकेट हासिल कर चुके हैं, अपना लास्ट ओवर करने आए हैं, सामना करेंगे समी। और इसी के साथ ही आमिर ने उबैद को बॉल कर दिया और तीसरी विकेट अपने नाम की, 8 विकेट्स यूनिट 11 ग्रुप को, 72 रन पर 12वें ओवर का खेल जारी। इसी के साथ ही आमिर ने अपने 3 ओवर मुकम्मल किए, 13 रन पर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 12 ओवर का खेल समाप्त, 72 रन पर 8 खिलाड़ी आउट यूनिट 11 ग्रुप के। एम्पायर की जानिब से नो बॉल का इशारा और फ्री हिट मिलेगा खान की ओवर में। समीरुद्दीन ने आने वाले बैट्समैन जो कि फेस करेंगे खान को नो बॉल फ्री हिट को।
खूबसूरत शॉट समय की जानब से बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन अपने टीम के लिए समेटे और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83, 8 विकेट के नुकसान पर 13 रन ओवर का खेल जारी। आखिरी बॉल समी फेस करेंगे खान का। और बॉल कर दिया खान ने अपने ओवर की लास्ट डिलीवरी पर समी को। इसी के साथ ही 9 खिलाड़ी आउट, 83 रन पर 13 ओवर का खेल समाप्त यूनिट 11 ग्रुप की टीम का। 7 ओवर में 96 रन दरकार, 13.71 रन रेट क्वाइट क्योसिस। We'll be right back.